तो भाई यहाँ पर आकर के आप इंजॉय कर सकते हैं। ये पुल है जो कि हिल रहा है, मैं इसका हिलने का अच्छा खासा आनंद ले रहा हूँ। यहाँ पर आकर के आप सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। टोटल बना हुआ है स्टील का, और भाई स्टील का बना रखा है, यानी कि चादरों को तोड़ मोड़ करके इस तरह से इसको बनाया है। बाकी यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि इस झील को थोड़ा बड़ा बनाने की तैयारी चल रही है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी करने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर बच्चे जाएंगे और बच्चों को एक्टिविटी करने में बहुत अच्छा मज़ा आता है। ये देखो स्कूल बंद करके आया है तो हाफ डे आज कहाँ चल दिए भाई, कैमरा देख के बहुत तेजी से भाग रहे हैं अभी। रुको। हाय दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ संजय झील में, यानी कि संजय लेक पर, जो कि मेरे घर से करीब 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ बाय मेट्रो, क्योंकि आज मैं बाइक से नहीं जा रहा क्योंकि यार बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से ना बाइक पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आज जा रहा हूँ मेट्रो से और देखते हैं कैसा हमारा सफर होने वाला है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। दोस्तों अभी मैं उतरा हूँ मेट्रो स्टेशन से और अब मैं जा रहा हूँ संजय लेक पार्क में, जहाँ पर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिली थी तो इसलिए मेरे को रिक्शा करना पड़ा। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ संजय लेक पर, मेरे सामने संजय लेक झील। तो अब मैं इसको आपको अंदर लेकर चलता हूँ। फाइनली दोस्तों मैं संजय लेक झील के अंदर पहुंच चुका हूं, और यहां पर पहुंचने के लिए आपको सबसे अच्छी सुविधा बताऊं वो मेट्रो की है। मेट्रो से 20 रुपये लेंगे तो संजय झील के लिए आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर बाइक कैब से भी आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं, या फिर अपनी सवारी से भी आ सकते हैं। तो यहां पर आने के बाद में आप इन चीज़ का ध्यान रखें जो चीज़ यहां पर वर्जित है, और जैसे फूल शाखाओं को तोड़ना, खाना खाना, धूम्रपान करना, जुआ खेलना, टेंट वगैरह, ये सब यहाँ पर आप ना खेलें क्योंकि इसकी कुछ मर्यादा है। यहाँ पर इन चीज़ों को ख्याल रखें। तो मैं फाइनली आपको अंदर लेकर चलता हूँ और देखते हैं अंदर क्या क्या हमें एंटरटेन करने के लिए और क्या क्या एक्टिविटी करने के लिए मिलने वाला है। तो इसका ये मेन रास्ता जो सीधा हमें लेकर जा रहा है संजय झील के लिए, लेक के लिए। यार एक चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखी बहुत ज़बरदस्त, देखो आप सामने देख सकते हैं, ये टोटल बना हुआ है स्टील का, और भाई स्टील का बना रखा है, यानी कि चादरों को तोड़ मोड़ करके इस तरह से इसको बनाया है। एक आयरन मैन जो कि स्टैचू बनाया है, आप क्या इसको जानते हैं तो मेरे को कमेंट में बताइए ये क्या बना हुआ है। बाकी बहुत गजब बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। हेलो तो दोस्तों अंदर आ गया हूँ और ये मेरे सामने तीन रास्ते जा रहे हैं भाई। एक रास्ता जा रहा है लेफ्ट साइड में, एक रास्ता जा रहा है राइट साइड में, एक रास्ता जा रहा है मेरे बिल्कुल ठीक सामने, जो कि मेरे को लग रहा है यहाँ पर झील बनी हुई है। तो फिलहाल मैं पहले आपको सामने लेकर चल रहा हूँ झील की तरफ, और एक ना यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेल्फी पॉइंट बहुत गजब का है भाई, यहाँ पर आकर के आप ना सेल्फी ले सकते हैं। और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही प्योर है, बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर आकर के इसका आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है सेल्फी पॉइंट। और गार्ड सर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं सर? सब ठीक है। आपने झील तो सारी सुखा रखी है, अभी इसमें खुदाई हो रहा है। अच्छा खुदाई हो रहा है। तो भाई ये संजय लेक जहाँ पर आप सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर आकर के आप सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस टाइम जो झील है ये एक तरह से टेम्परेली झील बनाई गई है। तो फिलहाल इसके अंदर पानी नहीं है भाई, मेरी किस्मत ऐसी है कि यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं मिला, जो जिस पर्पज़ से मैं आया था आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे पोज दिखाने के लिए, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इसके अंदर पानी नहीं है, मैं बिल्कुल आपको क्लोज में नज़दीक में लेकर चल रहा हूँ। बाकी यहाँ पर इस टाइम गार्ड ने बताया कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है झील के अंदर, थोड़ा सा इसका अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा है, थोड़े दिन के बाद यहाँ फिर से पानी की सुविधा की जाएगी। ये देखिए पानी बहुत मतलब सूख चुका है एक तरह से, तो ये आर्टिफिशियली बनाया गया था, यानी कि नेचुरली ये झील नहीं है, इसको बनवाया गया था ताकि इसको एक एडवेंचर में तब्दील किया जा सके। कहाँ चल दिया, कहाँ चल दिया, सो जा। ये देखो मेरे को डर के भाग गया भाई, मैं आया हूँ कैमरा लेकर के, सोता सोता बेचारा डर के भाग गया। दोस्तों जब इस झील में पानी होता है तो यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं,
क्योंकि अभी तो यहाँ पर पानी नहीं है, जिस वक्त पानी होता है ना तो यहाँ पर आप वोटिंग का भी इन्जॉय कर सकते हैं। तो वोटिंग का किराया मात्र 130 रुपये में पूरी फैमिली के साथ है, यानी कि एक एक वोट के अंदर चार सीट होती हैं, चाहे आप अकेले पर्सन इन्जॉय कर सकते हैं या फिर चार फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ भी 130 रुपये में इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पर पानी बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर वोटिंग का सिस्टम नहीं है, तो जिस वक्त यहाँ पानी भरता है ना तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको उस साइड में लेकर चलता हूँ और देखेंगे वहाँ पर क्या चीज़ बनी हुई है। यहाँ पर ना पूरी झील सूखी पड़ी है, क्योंकि पानी ना उस वक्त उस समय थोड़ा सा बचा था पानी, बाकी यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि इस झील को थोड़ा बड़ा बनाने की तैयारी चल रही है और इस झील के अंदर थोड़ा सा और कुछ चेंज करने की तैयारी चल रही है। तो भाई यहाँ पर आप बच्चों को भी ला सकते हैं क्योंकि बच्चों के लिए ना यहाँ पर झूले वगैरह बनाए गए हैं। ये देखिए बच्चों के लिए यहाँ पर झूले बनाए गए हैं और इस टाइम ना बिल्कुल दोपहर का टाइम हो रहा है भाई, ये लगा लो कि 3 से 3:30 बज रहे हैं, तो कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि धूप का समय है और धूप में तो भाई बच्चे आएंगे नहीं क्योंकि इस टाइम तो घर में रेस्ट करने का समय होता है। एक हम व्लॉगर्स हैं जो आपके लिए अपनी नींद ख़राब करते हैं, अपना सुख चैन आराम खराब करते हैं, लेकिन आप फिर भी लाइक नहीं करते भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक प्यारा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, अगर नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं ना नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आऊँ तो कमेंट कर दीजिए। बाकी यहाँ पर काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए बनाया गया है, ये देखिए बहुत खास चीज़ है भाई। इस पुल पर मैं आपको चढ़ के दिखाता हूँ, यहाँ पर बच्चे जाएंगे और बच्चों को एक्टिविटी करने में बहुत अच्छा मज़ा आता है। ये देखो ओहो, इस तरह का पुल बनाया गया है, आर्टिफिशियली पुल है जो कि ये टोटल पत्थर का बनाया है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर ये भी है, जिस तरह से बनाया गया ना यहाँ पर, एक यहाँ भी बनाया गया है, यानी कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर एक तरह से एनवायरनमेंट बनाया गया है। और इसके अलावा आप कपल भी आ सकते हैं यहाँ पर, बहुत सारे मैंने देखा कपल्स वगैरह आप आए हैं अपने गर्लफ्रेंड्स वगैरह को लेकर के, तो आप कपल्स के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ बेटा है? स्कूल बंक करके आया है नहीं। तो हाफ डे आज? अच्छा सच बता रहा ना, आज तो हाफ डे कहाँ से हो गया भाई, आज तो मंडे है। गोप्रो लेके आए हो? हाँ गोप्रो लेकर आया हूँ। तो मतलब यहाँ पर स्कूल बता दूंगा ये बता भाई, स्कूल बंक करके आया है या खाली स्कूल की फुल छुट्टी में आया है? लेकिन आज तो ना संडे मंडे है, आज हम लीव दे के आए हैं, हाफ डे की। अच्छा हाफ डे की लीव करके आए हैं, ठीक है। पार्क में खेलने के लिए? हाँ। ओहो ये पार्क काफ़ी बड़ा है, 2-3 घंटे में आप इसके पूरे पार्क का एंजॉय कर सकते हैं, पूरे पार्क में घूम सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ पर आप आ सकते हैं और अच्छे से आप यहाँ पर एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ कुछ खास मेहमानों को दिखाने के लिए, थोड़ी देर में आपको वहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ बत्तख घर में, जहाँ पर हम नन्हे परिवार से मिलने वाले हैं और उनके साथ एंजॉय करेंगे। वाह यार क्यूट क्यूट बत्तख देखो भाई कितना मज़ा आ रहा है ना, कितना अच्छे से ये एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, इनको पूरा एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है जिस तरह से रहना चाहती हैं। तो कहाँ चल दिए, रुको, अरे आपसे बात करनी है, रुको, कहाँ चल दिए भाई, कैमरा देख के बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं ये भी रुको तो दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ बिल्कुल ग्रीन ग्रीन बना हुआ है, बहुत ही हरियाली बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और सिर्फ पानी नहीं है बाकी यहाँ पर आप बहुत सारा एंजॉय कर सकते हैं, पानी की कमी है, जो झील के अंदर पानी सूख गया ना, सिर्फ पानी की कमी है, बाकी यहाँ पर एंजॉय बहुत सारा कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इसके ब्रिज की तरफ, देखते हैं ब्रिज कितनी दूर है यहाँ से। भाई ब्रिज कहाँ पर है? ठीक है थैंक यू, मैं आपको ब्रिज की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जो कि बताते हैं कि इस झील के ऊपर ना ब्रिज बना हुआ है, जो कि बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और जब यहाँ पर आप शाम के समय आएंगे ना, मॉर्निंग के समय आएंगे, वो ऑब्वियसली यहाँ के लोग ना मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर वॉक करने के लिए और सुबह मॉर्निंग सैर करने के लिए, तो बहुत अच्छा नज़ारा होता है। और शाम के समय जिस वक्त सूरज ढल जाता है, सूरज गुलाबी गुलाबी सूरज हो जाता है, तो बहुत प्यारा नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर आती है क्योंकि पूरे चारों तरफ वन है, और प्लस पानी का भी यहाँ पर आप थोड़ा ठंडक का
उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर हवा बहुत अच्छी चलती है क्योंकि यार चारों तरफ ना पेड़ पौधे हरियाली और प्लस हवा बहुत अच्छी हवा चलती है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर आकर के आप इंजॉय कर सकते हैं। ये पुल है जो कि हिल रहा है, मैं इसका हिलने का अच्छा खासा आनंद ले रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। इधर दिखाओ जरा यार, ये देखो कितनी बढ़िया झील बनाई गई है। अभी ना इसके अंदर पानी नहीं है क्योंकि इसका ना घेरा किया जा रहा है। और इधर भी दिखाओ भाई, काम चल रहा है कि वो ट्रकों के माध्यम से और किनारों के माध्यम से इसको और घेरा किया जा रहा है ताकि इसके अंदर पानी बहुत अच्छे से स्टोर किया जा सके और इस झील को और ज़्यादा बड़ा किया जा सके। बाकी यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत मेरे को देखने को मिला क्योंकि इसके अंदर ना हरियाली बहुत ज़्यादा है और फूल पेड़ पौधे और जो वहाँ की ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा है। यहाँ के जो गार्ड्स वगैरह हैं बहुत अच्छे से इसकी केयर कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। ये पूरा क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ प्ले कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, ये देखिए। बाकी ये ब्लॉग इतना ही, और यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा आसान है और यहाँ पर आने के लिए सबसे ज़्यादा फैसिलिटी की जो चीज़ है वो है मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन 2-2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप बाइक कैब से भी आ सकते हैं, बाइक ऑटो से भी आ सकते हैं या फिर आप अपनी सवारी से भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के लिए ना कोई भी टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ता। बस यहाँ पर जो वोटिंग की जाती है ना, इस वक्त वोटिंग बंद है। इसके अलावा जब वहाँ वोटिंग की जाती है तो वोटिंग का आपको 130 रुपये का टिकट मिलेगा जिसमें आप 4 लोग सवार होकर के उसका इन्जॉय कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और वीडियो देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।